बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं, मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं, धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले, डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले, प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाड
लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो। आज मैं फिर आपको मम्मा की वो कहानी सुनाऊंगी कि मम्मा मम्मा कैसे बनी। और हम सबको बहुत ये इंटरेस्ट रहता था क्योंकि मम्मा छोटी आयु की थी और मम्मा के साथ जो भी माताएं थी वो सब बड़ी उम्र की थी। अब ये सब बड़ी उम्र वाली माताएं भी मम्मा को मम्मा मम्मा कहने लगी। तो ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, एक कन्या को बाल बच्चों वाली माताएं जब यज्ञ में बाबा को समर्पित हुई तो वो बाबा की श्री मत पर जब मम्मा को मम्मा बनाया गया तो वो भी मम्मा मम्मा कहकर और कार्य करने लगी। तो आइए आज सुनते हैं कि मम्मा मम्मा कैसे बनी। तो मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से बनी। मम्मा अपने जिम्मेवारियों को संभालने की शक्ति और उसकी महानता को समझती थी, समझाती थी। और मम्मा की जो शिक्षा देने की विधि थी, मम्मा का जो सद्व्यवहार था, उसने मम्मा को मम्मा बनाया। मम्मा सभी को प्यार देती थी, पालना देती थी। और वो प्यार और पालना की शक्ति से मम्मा ने हरेक का दिल जीता। और इस प्रकार पहले तो मम्मा यज्ञ माता बन गई। और जब वो यज्ञ माता बन गई तो मम्मा फिर धीरे धीरे सभी उनको मम्मा के रूप में स्वीकार करने लगे। और फिर धीरे धीरे सभी ने अपना देह भान त्याग कर और मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। यहाँ तक कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। क्योंकि बाबा मम्मा कहेगा तब तो सभी मम्मा को मम्मा कहेंगे। Oh.
झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं।
सकते तो अभी सेकंड में जहां मानक को लगाने जाओ से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए जो तुझ से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए जो तुझ से योग लगाए वो परमानंद को पाए लगन लगाए
वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। गहरा सागर हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान, जो से लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर, जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है, स्वस्वरूप का ज्ञान दान किया है। उस ज्ञान के आधार से मैं आत्मा स्व का दर्शन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं संगम योगी आत्मा हूँ, ब्राह्मण बन रही हूँ। मेरे पिता मुझे टीचर बनकर शिक्षा दे रहे, गुरु बनके
ज्ञान का सिमरन करा रहे हैं। मैं आत्मा सृष्टि चक्र का पूरा पूरा ज्ञान की चक्र लगा रही हूँ। ये सृष्टि रूपी चक्र पहले में देवता थी, धीरे धीरे मेरे कलाएं कम होती जा रही है। मैं आत्मा 84 का चक्र लगाकर फिर से परमात्मा को पुकारती हूँ। हे परम आत्मा, मुझे फिर से सुख और शांति दे। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं अपने मन बुद्धि को संतुलन नहीं कर पा रही। आप आकर मेरे अंदर ये ज्ञान का प्रकाश फैलाए। सचमुच बाबा आप ही हैं जो मुझ में ये शक्तियां भर रहे हो, जिससे मैं मन बुद्धि संस्कार को संतुलन कर पा रही हूँ। आपकी प्यार में ही मैं अपने को देख पा रही हूँ, अपने को चेंज कर पा रही हूँ। बाबा आप ही मुझे प्यारे लगते हो।
जल तन मैंने धोए, मन जले तो प्रभु ज्ञान से हो।
जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बन कर मां हो,
प्रभु प्यार है लुटाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।
अपना भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना वो भी समझने की है कि यहाँ जो कहते हैं चार वर्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी अपने भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना ये चार जो वर्ण कहे हैं वास्तव कर करके उसको भी कहेंगे पांच वर्ण। कौन से? सतयुग में देवता, पीछे त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण। ये संगम में जो है ना तो संगम पर आकर करके परमात्मा ये ब्रह्मातन से ये मुख वंशावली जो बढ़कर के नॉलेज सुनाते हैं तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात के ऊपर, पर तो नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है यानी मुख से नॉलेज सुना कर करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्होंने सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है, अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो अभी हम कौन है? हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे है नई जनरेशन के लिए। तो ये बैठ कर करके बाप समझाती है कि ब्राह्मण, फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवता या नमः है, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवता या नमः है। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवता है नमः है, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से ब्रह्म देवता जाकर के बनते हैं। शांति। आज की तारीख है 17/6/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते? उत्तर है, उसमें नंबर दिया है, 1 नंबर, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। नंबर 2 है, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं, खुद ताऊ से तख्त पर नहीं बैठते लेकिन बच्चों को ताऊ से तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, इस दुखधाम से बुद्धि योग निकाल, नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। नंबर 2, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान शिव भोलानाथ का, सदा उमंग और उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशी
खुश नसीब भव। बाबा कहते हैं, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा ये बात है कि खुशी के गीत बजते रहे। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहाना समय, हर कर्म हमारा वाह वाह है। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हैं। आपके मन में कभी भी वाय आई क्यों मैं ये नहीं आ सकता, वाय के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही याद आ जाता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगवा दो तो अटल रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।